दोस्तों आईपीएल 2024 का शेड्यूल आ चुका है और आपको पता होगा चेन्नई सुपर किंग और यहाँ पे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का ओपनिंग मैच होने वाला है, वो भी चेन्नई के चैपॉक के स्टेडियम में। इसके लिए आप कितना एक्साइटेड हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कम से कम 20 मैचेस के बारे में बताने वाला हूँ कि कब किसका मुकाबला होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ज़्यादा लाजवाब ये वीडियो होने वाला है। उसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना अंत तक। सबसे पहले आपको पता होगा 22 मार्च, जी हाँ 22 मार्च को यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का हमें मुकाबला देखने को मिलने वाला है, वो भी चेपोक के स्टेडियम में। और आपको पता होगा जो इसके यहाँ पे स्टार बताए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार आएंगे यहाँ पे ओपनिंग मैच के लिए, जिसमें बताया जा रहा है शाहरुख खान होंगे, कार्तिक आर्यन होंगे, साथ में यहाँ पे और भी बहुत बड़े स्टार होने के यहाँ पे चांसेस दिखाया जा रहा है। दोस्तों ये तो यहाँ पे ओपनिंग मैच के बारे में, लेकिन आपको पता है दूसरा मैच किसके बारे में। दूसरा मैच दोस्तों यहाँ पे है पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के है, जी आपको बताओ 23 मार्च का, 23 मार्च को डबल हेडर है और हम सबकी चहेती यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का भी वहाँ पे उसी दिन मैच है दोस्तों, आपको पता होगा 23 मार्च को, क्योंकि उस दिन डबल हेडर है। जी हाँ, शाम का दूसरा मुकाबला यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स और यहाँ पे हमें सनराइजर हैदराबाद को देखने को मिलने वाला, जिसके लिए हम सब बहुत सारे एक्साइटेड, क्योंकि हम भाई हैदराबाद के फैन, तो भाई साहब खुश तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा और ये मुकाबला आपको पता होगा कोलकाता में ईडन गार्डन में खेला जाएगा, छोटा सा ग्राउंड है, अब हाई स्कोरिंग गेम होने का यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद चलो दोस्तों मैं आपको टॉप 20 मैचेस जल्दी से जल्दी बता देता हूँ, हो सके आप लोग अपनी टीम के यहाँ पे वेट कर रहे हो, तो चलो मैं बता देता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स और यहाँ पे कोलकाता लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होने वाला है यहाँ पे 24 मार्च को। 24 मार्च को भी डबल हेडर गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस, जी हाँ ये बहुत बड़ी राइवलरी होगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या साथ में यहाँ पे उनकी गुजरात टाइटंस पुरानी फ्रेंचाइजी, ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा टफ और ज़बरदस्त निकालने वाला है दोस्तों। फिर 25 मार्च को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मुकाबला यहाँ पे पंजाब किंग के साथ होने वाला है, फिर चेन्नई सुपर किंग का गुजरात टाइटंस का, 26 तारीख को सनराइजर हैदराबाद मुंबई इंडियंस का, 27 मार्च दोस्तों और यहाँ पे 28 मार्च को दिल्ली कैपिटल और यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स का, 29, जी हाँ आपको पता होगा आरसीबी के मुकाबले बहुत जल्दी जल्दी है दोस्तों, आपको पता होगा 10 दिन के अंदर ही यहाँ पे 3-3 मैचेस हो गए। फिर यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स और यहाँ पे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का, ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा आपको पता होगा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि गौतम गंभीर और साथ में विराट कोहली, हमको पता है भाई साहब। दूसरे बात दोस्तों हम बात करें 30 मार्च की, तो यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स एक बार सामने हमने भरते आएंगे। फिर आपको पता होगा डबल हेडर है, जी हाँ 31 मार्च को दोस्तों डबल हेडर है और आपको पता होगा यहाँ पे गुजरात टाइटंस साथ में यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद, आपको दोपहर का मुकाबला देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मुकाबला होने वाला है। फिर चेन्नई सुपर किंग और यहाँ पे दिल्ली कैपिटल को आपको देखने को मिलेगा दूसरा मैच यहाँ पे 31 तारीख को दोस्तों, 1 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स, फिर उसके बाद आरसीबी, जी हाँ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का आपको पता होगा 2 अप्रैल, जी और साथ में लखनऊ सुपर जायंट्स का यहाँ पे सामना होगा। फिर आपको पता 3 मार्च को यहाँ पे दिल्ली कैपिटल केकेआर, 4 गुजरात और पंजाब किंग और 5 को फिर से यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग का। यहाँ पे आपको पता होगा अगर देखा जाए 4 ही मुकाबले हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टफ टीमों के साथ है यहाँ पे अगर देखा जाए तो सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला। उसके बाद आपको पता होगा 6 मार्च को फिर से यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स और यहाँ पे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और उसके बाद मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल। आप इस चीज़ को अगर देखने को कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हैं, काफ़ी ज़्यादा मैचेस यहाँ पे आपको पता होगा इस 20 के दिन में आपको बहुत ज़्यादा मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। आपका मैं टोटल बताऊँ तो कम से कम दोस्तों यहाँ पे मुकाबले मेरे को 6 मैचेस या 5 मैचेस देखते हुए नजर आ रहे हैं कि 20 दिन के अंदर, और जहाँ दूसरी टीमों का आपको पता होगा 4 मैचेस से ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग बताओ कि किसके मैच के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। और हम अब एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को चाहे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, मुझे पता दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस यहाँ पे काम डाउन में दोस्तों। आज से उल्टी गिनती सरी शुरू कर लो, क्योंकि अब भाई साहब उल्टी चुटकी बताओ, क्योंकि हमारे फेवरेट त्यौहार आ रहा है, आईपीएल आ रहा है, तो खुशी मनाओ दोस्तों। थैंक यू सो